हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, हमारी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है लाइफ के प्रति। अभी ये जो कोरोना की महामारी है, ये पूरे वर्ल्ड को इसने इम्पैक्ट कर रखा है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल इसको अलग अलग तरीके से ले रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कई धार्मिक संस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ये कोरोना वायरस ऐसे है कि उनको तो इससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में, कर्फ्यू में वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड हैं या उन्हीं के ऊपर ही उनके अपने लिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। आज मेरी एक फेसबुक के थ्रू एक फ्रेंड से इंटरेक्शन हुई। उसने क्या किया कि ही वॉज फ्री एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, जैसे आपको पता ही है कि उसने घर बैठकर ही जो कपड़े के मास्क बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी सारे मास्क बनाए और उसको लोगों में उसने वितरित करना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली को भी उसके बीच में लगा लिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसी पर्सन को डीमोटिवेट किया कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सोशल स्टेटस के साथ ये चीज़ नहीं जाती कि आप मास्क बनाएं, आपको शोभा नहीं देता कि आप मास्क बनाएं। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। आपको पता ही है कि ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। इस प्रॉब्लम की कंडीशन में अगर हम हेल्प नहीं करेंगे अपने साथियों का, अपने देशवासियों का, अपने आसपास का, और कौन करेगा? कोई बाहर से आएगा मदद करने? तो मैंने उस पर्सन को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो उसमें उसकी सोच का फ़र्क है कि उसकी सोच कहाँ तक है, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या उसको अभी भी सोशल स्टेटस नज़र आ रहा है कि आपका सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा अगर आप मास्क बनाएंगे घर पे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने कई उदाहरण देखे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम, कई पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, देखा होगा आपने, कई लंगर बांट रहे हैं, कई लंगर बना रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी होते हुए भी, बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स, वो खुद इतने बड़े स्टेटस पे पहुंचने के बावजूद भी लोगों की खुद अपने हाथों से मदद कर रहे हैं, उनको अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, कई पैसे दे रहे हैं, उनके रहने का इंतजाम कर रहे हैं। तो जब ये ऐसी संकट की घड़ी होती है, एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का उसी समय टेस्ट होता है कि ये इंसान कैसा है। कोई हो, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, एक सेलिब्रिटी हो, या एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, संकट की घड़ी में नज़र आता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। कई लोग इस समय भी अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन कई लोग इतनी समस्या होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि वो बड़े ही समझदारी के साथ सेफ तरीके अपनाते हुए अपनी पूरी प्रोटेक्शन, ग्लव्स और मास्क, और अगर अपने आप को पूरा प्रॉपर ढक कर वो पूरे समझदारी के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कि देखने से बहुत ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे से करना चाहिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। क्योंकि आज ये समस्या है और भगवान से ये प्रार्थना है कि आज नहीं तो कल ये समस्या चली जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। और कुछ ऐसे लोग जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जब आग लगती है कहीं तो उसकी सेक तो हमारे तक आ ही जाती है। तो अगर हम इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से हमें भी नुकसान होगा, ये नहीं कि दूसरों को ही होगा, अपने आप को भी होगा। तो इस संकट की घड़ी में सब चीज़ें भूलकर हमारी कंसंट्रेशन इसी चीज़ पर होनी चाहिए कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकें।
आप सभी की स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए धन्यवाद। बाय बाय।